बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। डायलिसिस हमने लास्ट टॉपिक में स्टार्ट किया था और डायलिसिस का एक मेथड जो है पढ़ लिया था, दैट वाज द पेरिटोनियल डायलिसिस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड मेथड, दैट इज़ द हीमोडायलिसिस। सबसे पहले बच्चे मतलब समझे हीमोडायलिसिस का। हीमो वर्ड रिलेट्स विद द हीम, बच्चे रिलेट्स विद द आयरन या हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन आपको पता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन किसके अंदर मौजूद होती है, हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर। तो बेटा जी ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ब्लड को इन्वॉल्व करते हैं डायलाइजर मशीन में या डायलिसिस में। अब इसके लिए हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, इसलिए जो है ये होम में या घरों में ये अप्लाई नहीं हो सकता। हॉस्पिटल्स में ये डायलिसिस मशीन्स रखी जाती है और उनको ऑपरेट करना भी एक मतलब के अच्छे खासे माहिर फिजिशियन का काम होता है। इस केस में हीमोडायलिसिस केस में हमें एक डायलिसिस मशीन चाहिए बेटा, ये एक डायलिसिस मशीन है। डायलिसिस मशीन अगर हम बेटा जी देखें तो डायलिसिस मशीन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ द डायलिसिस ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। होता ये है जी, डायलिसिस ट्यूब्स के बाहर जो है वो ये जो मैंने ग्रीन कलर के एरो शो किए हैं, डायलिसिस फ्लूइड है। ट्यूब्स के बाहर जो है डायलिसिस फ्लूइड फ्लो करता है और ट्यूब्स के अंदर जो है ये जो ब्लू कलर के एरो शो किए हैं वो शो कर रहे हैं कि ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ट्यूब्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और ट्यूब्स के बाहर जो है वो डायलिसिस फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये जो ट्यूब्स की वॉल्स हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो सेमी परमिएबल होती हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि मटीरियल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, कुछ मटेरियल्स को, चंद मटेरियल्स को जो कि आपके लिए जो है वो नेसेसरी हैं, जो कि यूज़फुल हैं। जो नेसेसरी हैं वो ब्लड के अंदर रहेंगे, जो अननेसेसरी हैं वेस्ट मटेरियल्स हैं वो डिफ्यूज आउट हो जाएंगे ब्लड से, किस में आ जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड में। अब यहाँ पे दो कंटेनर रखे गए हैं बेटा जी, ये इसमें लिखा हुआ जी फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड। इस कंटेनर में हम यहाँ से बाहर से जो है ट्यूब्स के सराउंडिंग में हर वक्त जो है फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड पास करें और यहाँ से जो है वो हम यूज्ड वाला डायलिसिस फ्लूइड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अमंग ब्लड एंड डायलिसिस फ्लूइड, ये जो यूज डायलिसिस फ्लूइड है उसको इधर ड्रेन आउट करें दूसरे कंटेनर के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी, इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये हमारे पास पेशेंट का आर्म है, पेशेंट की आर्टरी के अंदर हमने जो है वो एक जो है वो सिरिंज इंसर्ट की, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं सिरिंज पेशेंट की आर्टरी में, ठीक है। अब बच्चे यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ से ब्लड उसकी आर्टरी से हम ब्लड ले रहे हैं, ब्लड सक कर रहे हैं, उसकी आर्टरी से ब्लड आएगा इस इन ट्यूब्स में, ठीक है जी। और ट्यूब्स से जो है ये डायलिसिस ट्यूब्स के अंदर जो है फ्लो करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें बेटा जी तो डायलाइजर, ये जी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डायलिसिस ट्यूब है जी, ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डायलिसिस ट्यूब की बात करूँ तो मेरे पास ये एक डायलिसिस ट्यूब है, ठीक है बेटा जी। इसके अंदर जो है वो फ्लो कर रहे हैं मेरे पास ब्लड फ्लो कर रहे हैं, सॉरी ब्लू से शो करें क्योंकि हम ब्लड को ब्लू से शो करें। इसके अंदर जो है ट्यूब्स के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो कर रहे हैं, ट्यूब्स के बाहर जो है वो क्या फ्लो कर रहे हैं डायलिसिस फ्लो। अब क्या होता है बच्चे, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल यहाँ पे होता है जी, डायलिसिस फ्लूइड में और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटीरियल है, ब्लड से वेस्ट मटीरियल एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल निकल के डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, इसमें डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है। अब ये जो अगर इस डायलिसिस फ्लूइड में एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल आ गया तो अब ये यूज हो जाएगा डायलिसिस फ्लूइड, तो इस डायलिसिस फ्लूइड को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यूज वाले डायलिसिस फ्लूइड को यहाँ से डिस्चार्ज आउट कर दिया जाता है इस कंटेनर में और फिर नया डायलिसिस फ्लूइड जो है इंसर्ट किया जाता है। आफ्टर अलॉन्ग द एवरी ट्यूब मैक्सिमली जो है वो आपके पास क्या होती है बेटा जी, डिफ्यूजन होती है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन हो, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ मटीरियल हो सके, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल हमारे ब्लड से रिलीज आउट हो जाए। अब ये जो डिफ्यूज वाला ब्लड है इसको यहाँ से बच्चे पास कर दिया जाता है और ये वाली जो ट्यूब है ये इंसर्ट कर दी जाती है हमारी वेन। ये डिफ्यूज वाला जो ब्लड है वो यहाँ पे आया, इसको हमारी वेन में जो है वो पेशेंट के आर्म में कोड सिरिंज के ज़रिए हमारी वेन के अंदर इस ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। तो हमारी वेन के मेन में जो है अब जो है डिफ्यूज ब्लड आ चुका, फिल्टर ब्लड आ चुका, तो इस पाथवे के ज़रिए ब्लड लिया जाता है आर्टरी से और इस पाथवे के ज़रिए फिल्टर ब्लड जो है वो रिटर्न बैक कर दिया जाता है पेशेंट आर्म को, पेशेंट की बॉडी को। और मैंने अब शुरू में ही कहा था कि इसको इसके लिए प्रॉपर डायलाइजर मशीन का सेटअप चाहिए, अपरेटस चाहिए,
इसको ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर फिजिशियन चाहिए, इसलिए ये होम में अप्लाई नहीं होता। और पर वीक जो है ये 3 टाइम्स जो है डायलिसिस करनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो किडनी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो सकते हैं। अगर दोनों डायलिसिस पेरिटोनियल और हेमोडायलिसिस के से भी काम ना चले, उसके पर्सन की किडनी तब भी प्रॉपरली काम ना करें, ठीक है जी, मतलब वेस्ट प्रेज उसके ब्लड में जमा होना शुरू हो जाए, तो देन एंड आखिरी वाला जो एंड स्टेज ट्रीटमेंट किया जाता है वो ये है जी, उस पेशेंट का ये डिजीज्ड किडनी जो है रिमूव करके उसको जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है हेल्दी किडनी। ये हम पढ़ेंगे बेटा जी लास्ट टॉपिक में। होप्स हो के आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।